यू आर वॉचिंग FNI न्यूज। आपका अभिवादन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। तीज के अवसर पर इसी प्रकार के बहुत सारे मेले पूरे दिल्ली भर में पिछले 4-5 दिन से लग रहे हैं और आने वाले हफ्ते 10 दिन तक इसी प्रकार से तीज के मेले लगते रहेंगे। ये मेले हमारे देश की जो प्राचीन संस्कृति है उसका दर्शन कराते हैं। क्या नन्हे बच्चे और क्या बुजुर्ग, सभी की प्रतिभा का प्रदर्शन देख सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। ये नजारा है अशोक विहार के सबसे प्रतिष्ठित महिला संगठन अग्रोहा विकास ट्रस्ट द्वारा शनिवार को अशोक विहार के अग्रसेन भवन में आयोजित किए गए तीज मेले का, जहां महिलाओं ने रोजमर्रा की जरूरत के सामान के स्टॉल्स भी लगाए। डॉक्टर HC गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मंजू गुप्ता ने मंच संभालते हुए आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत बड़े ही पारंपरिक ढंग से किया। ऐसे में क्षेत्र के प्रमुख समाजसेवी राजकुमार नारंग के स्वागत के मौके पर डॉक्टर HC गुप्ता ने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। ऐसा वट वृक्ष लगाया था, जितना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, मैं आप पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप लोग, और आप सबको तीज की सावन के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और राजू नारंग जी का स्पेशली ये भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं और दिल खोल के अनिल जी बहुत अपने आप को, हमने इनको बोला नहीं कुछ बोले नहीं, मैं जुड़ना चाहता हूँ जोरदार तालियों से भाई का स्वागत हो। अपने तीज के इस मौके पर बच्चों की नाट्यशाला के प्रस्तुतीकरण ने सभी को गदगद कर दिया, वहीं बुजुर्गों ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे प्रमुख समाज सेवी राजकुमार नारंग, सिंधी समाज की जानी मानी शख्सियत लक्ष्मीचंद मकरानी और अनिल गुप्ता घी वाले। और मंजू भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने मेरे को इसके लायक समझा कि यहाँ पर इस मंच पर मेरे को सम्मानित किया, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। आप सबको मेरी तरफ से तीज पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि तीज पर्व एक ऐसा पर्व है जहाँ से सारे जितने भी हमारे त्यौहार स्टार्ट होते हैं। अब पहला तीज है, फिर उसके बाद रक्षाबंधन आएगा, जन्माष्टमी आएगी, दिवाली आएगी, दशहरा, ये सारे त्यौहार यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई जाती है जी। अग्रोहा विकास ट्रस्ट महिला संगठन का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि वो हमेशा इसी तरह से इस त्यौहार की खुशियाँ सब में बांटती रहती हैं। मैं पूरे सिंधी समाज अशोक विहार सिंधी पंचायत की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सावन की बधाई देता हूँ और ये अग्रोहा विकास ट्रस्ट का जो प्रोग्राम हर साल अग्रसेन भवन के अंदर आप करते हैं, इसके लिए डॉक्टर मंजू गुप्ता जी ने मुझे पहले दिन से कह रखा है कि जब तक हम यहाँ पे प्रोग्राम करते रहेंगे आप हमसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे। तीज के इस कार्यक्रम को प्रमुखता से 4 चांद लगाने में बच्चों की अहम भूमिका रही, जिनकी सांस्कृतिक प्रस्तुति की सभी ने सराहना की। ये महिला मंडल अपने बलबूते पे इतना बड़ा कार्यक्रम ये करते हैं और आए साल करते हैं, इतनी परफॉर्मेंसेस होती हैं, बच्चों को इनकरेज करते हैं, एक किस्म का ये वो मंच बन गया है जहाँ पर बच्चे अपना टैलेंट अपना हुनर जो है वो यहाँ पर दिखाते हैं और उनके माँ बाप गौरवान्वित होते हैं कि हमारे बच्चे ने इतना काम यहाँ किया, स्कूल में वो जाके नाम करता है। हर जज्बात को जिंदगी में जुबा नहीं मिलती, हर जज्बात को जिंदगी में जुबा नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। मुस्कुराते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि भाई मुस्कुराते रहे और इसी तरह ये त्योहार मनाते रहे। तीज के इस सांस्कृतिक आयोजन में क्षेत्र की सभी राजनीतिक और सामाजिक शख्सियतों ने शिरकत की। सभी ने इस बात को प्रमुखता से कहा कि तीज से
अब सभी प्रमुख त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कल का जो दिन था जल अभिषेक का दिन था, कांवड़ मेला की समाप्ति हुई और आज ये दिन का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। निरंतर हमारे देश के अंदर त्योहार मनाए जाएंगे। कुछ ही दिनों के बाद 15 अगस्त, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तो ये वो त्यौहार हैं, हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। भारत में जो त्योहारों की परंपरा है उसको इसी तरह से जीवित रखते हैं और जब महिलाएं आगे बढ़कर काम करती हैं तो मोदी जी का जो संदेश है महिला शक्ति का वो भी लगातार आगे बढ़ता है। डॉक्टर एच सी गुप्ता और डॉक्टर मंजू गुप्ता वजीरपुर विधानसभा की ऐसी सामाजिक शख्सियतें हैं जिनका हर छोटे बड़े सामाजिक आयोजन में बढ़ चढ़ कर सहयोग रहता है। डॉक्टर मंजू गुप्ता की बात करें तो उनके नेतृत्व में अग्रोहा विकास ट्रस्ट का ये महिला संगठन नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। कैमरामैन विशाल के साथ अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज ब्यूरो।